नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रंजना वेजफूड चैनल में। तो आज हम आप लोग को एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बना करके दिखाने वाले हैं। तो आज मैं चलूंगी अपनी चाची के घर पे और वहां से कुछ फल लेने वाली हूँ। और फल का पेड़ उनके द्वार पे है, तो चलिए आप लोग को पेड़ भी दिखाएंगे और फल भी हम लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भाई ननद लोग सब्जी लगा रही है। हाँ दोस्तों। दोस्तों देखिए, गांव में गोभी का पेड़ ऐसे लगता है, फूल गोभी और पत्ता गोभी हम लोग लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, अभी आप लोग मेरी चाची से मिल सकते हैं। देखिए हमारी चाची है। हाय। और यही है फल का पेड़। तो ये जो पेड़ है ये शरीफा का पेड़ है, इसको सीता फल भी बोलते हैं। तो देखिए ये जो पेड़ है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही बढ़िया से फरा हुआ है। सीता फल देखिए गोल गोल से कितना लटक, मतलब गुच्छेदार बहुत ही बढ़िया से फर के तैयार हुई है। देखिए बड़ा बड़ा सा लटक रहा है, ये ऊपर की टहनी है। पूरा नीचे से ऊपर तक आप लोग को दिखा दिए कितना बड़ा सा ये पेड़ है। देखिए सीता फल आप लोग को बहुत ही बढ़िया से दिखाई पड़ रहा होगा, मतलब छोटा सा ही पेड़ है लेकिन बहुत ढेर सारा सीताफल जो फर के तैयार हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया हरा हरा सा देखने में काफी अच्छा लग रहा है। शरीफा जो होता है हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, इसको खाना चाहिए। तो हमारी चाची जी ने पेड़ लगा करके तैयार किया हुआ है अपने दांत से ही, और बहुत ही बढ़िया से इसका सेवा करती है। कभी देखिए कितना ढेर सारा खड़ा हुआ है। देखिए ये वाली टहनी में भी ढेर सारे शरीफा लगे हुए हैं। देखिए आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, काफी छोटा सा पेड़ है, ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं है। तो अब यहीं से हम देख करके तोड़ते हैं। और एक इधर ऊपर है, ये वाला भी पका सा दिखाई पड़ रहा है, इसको भी हम तोड़ेंगे। देखिए दो शरीफा मैंने यहाँ पे तोड़ लिया हुआ है। तो भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, देखिए अश्वी के पापा जा रहे हैं ऊपर। अब यही तोड़ेंगे क्योंकि काफी ऊपर ऊपर है, मैं हाथ से नहीं पा रही हूँ। ये शरीफा जो है इसका पकने का नियम, जो ये दाने दाने हैं ये पीलेपन में दिखाई पड़ने लगता है, दाने बगल हो जाते हैं पीलापन में आ जाता है, तो पका समझे ये दुर्वधा है, पका है। देखिए दोस्तों आप लोग को मेरी चाची बता दी कि शरीफा कब पका रहता है। मेरे चार शरीफा लिया हुआ है, तो इतना हमको बहुत है रेसिपी बनाने के लिए। तो आज मैं अपने चाची के घर पे आई थी और चाची ने बहुत ही अच्छे से शरीफा का पेड़ जो है लगा के तैयार किया हुआ है ना चाची। तो चाची बता रही थी कि हमारे घर पर है और पकना शुरू हो गया है, तो इसीलिए हम आए और चाची घर से ले लिए हुए हैं। तो अभी चलिए इसको लेकर के हम चलते हैं घर पे और बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बना करके आप लोग को दिखाएंगे और अपनी चाची को खिलाएंगे भी। तो चाची चल थी। शरीफा लेकर के हम आ गए हैं अपने चूल्हा के पास। सबसे पहले इनको हम धुल करके साफ करेंगे। धुल करके मैंने अच्छे से साफ कर लिया, अभी आप लोग को हम फोड़ के दिखाते हैं। देखिए देखिए बहुत ही बढ़िया से शरीफा हमारा पका है। देखिए दो टुकड़ों में अलग हो गया, अभी इसको भी ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो शरीफा जो तो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है और हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। देखिए सभी शरीफा हमारा बहुत ही बढ़िया से पका हुआ है। इसमें मोटा मोटा काला काला बीज होता है, अभी आप लोग को हम दिखाते हैं। ये देखिए ये बीज है, ये देखिए इतना बड़ा सा बीज होता है, ये देखिए ये रहा इतना बड़ा सा। तो बीज हम निकाल करके अलग कर दे रहे हैं। तो सभी शरीफा हम इसका गुच्छा जो है रख लेंगे और इसका बीज जो है निकाल करके अलग कर दे रहे हैं। तो सभी शरीफा का मैंने देखिए बीज अलग कर दिया हुआ है, उसका गुच्छा जो है अंदर का इसको अलग कर लिया हुआ है, तो इतना सारा निकला हुआ है। और इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए इतना ढेर सारा बीज है और ऊपर का छिलका है मैंने अलग कर दिया हुआ है। अब इधर हम चूल्हा में आग जलाएंगे। तो चूल्हा में आग मैंने जला लिया हुआ है, चूल्हा पर रख देते हैं कढ़ाई।
और कढ़ाई में हम डाल लेते हैं देसी घी। पिघल गया है और गर्म भी हो गया है, तो मैं इसमें शरीफा डाल करके घी में भूनूंगी। तीन चार मिनट तक मैंने इसको घी में भून लिया हुआ है, तो अभी अच्छे से पक गया है। अभी हम इसको निकाल करके थाली में ले लेते हैं। डाल देती हूँ दूध। दूध हम ऐसे करते से चलाते रहेंगे और दूध हम थोड़ा गाढ़ा करेंगे। गाढ़ा होने तक दूध हम पका लेते हैं। तो दूध पकाते पकाते इतना गाढ़ा कर दिया हुआ है मैंने, लेकिन बहुत ज्यादा दूध गाढ़ा हो गया है, तो अब इसमें डाल देती हूँ शरीफा। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ नारियल का बुरादा और इसी में अब हम डालेंगे किशमिश और चीनी डालेंगे। तो चीनी हम थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि शरीफा खुद ही बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो सभी चीज़ कलछे से चला देंगे अच्छे से, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे इसको बस। तो आज शरीफा की मैंने बहुत ही बढ़िया और नई रेसिपी बनाया हुआ है। अभी इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, आप लोग पास से देख सकते हैं। तो अभी देखिए उबल रहा है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया से मैंने इसको पका लिया हुआ है। अब ये खाने के लिए एकदम से तैयार हो चुका है। तो अभी हम कढ़ाई को उतार लेते हैं चूल्हा से नीचे। तो एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। देखिए 2 प्लेट मैंने निकाल लिया हुआ है, तो अपनी चाची को दूंगी खाने के लिए और मैं खाऊंगी। और जो बचा हुआ है उसको ढक देते हैं, घर के और बाकी सभी लोग खाएंगे। इसको यहाँ से ढक देते हैं। बहुत बढ़िया बना। अच्छा अच्छा चाची बता रही है बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, काफ़ी टेस्टी बना हुआ है। मीठ उठ सही बना चाची। तो शरीफा की एकदम बिल्कुल नई रेसिपी मैंने बना करके आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। तो आप लोग भी इस तरीके से बना करके खाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना हुआ है। एक भगवान देखो बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, वो बार बार खा रहे ना मारियन। अच्छा होता है, अच्छा होता है खाने। आज मैंने शरीफा जिसको सीताफल बोलते हैं इसकी बिल्कुल नई रेसिपी बना करके आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। आप लोग घर आए मेहमान को इस तरीके से बनाकर खिलाइएगा तो वो लोग जान ही नहीं पाएंगे कि ये किस चीज़ का ये रेसिपी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आ रहा है दोस्तों, हमारी चाची भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है इसको। तो आज का अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।